फ्रेंड्स, मैं माही अपने शिखा एटीजेड चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, तो उसमें हम लोग क्लेश से अपने प्यारे से गणपति बप्पा को कैसे बना सकते वो मैं सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। उसके लिए हम लोग को कुछ क्ले चाहिए, वायर चाहिए और बस थिंकी, या तो आप लोग अगरबत्ती जलाने के बाद जो बचता है उसके दो भाग करके भी ले सकते हैं। और मैंने कुछ मटेरियल्स ले लिए हैं सजाने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग गणपति बप्पा के मुंह को बनाएंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा क्ले ले लेंगे। और फिर उनके सूंड को बनाने के लिए थोड़ा क्ले लेंगे। उनके सूंड को थोड़ा नीचे से थोड़ा हम लोग पतला बनाएंगे और ऊपर से थोड़ा मोटा। अब इस गोले में हम लोग थोड़ा सा छेद करके इसको लगाएंगे। हम लोग इधर से घिस लेंगे ताकि पता ना चले कि सूंड और इसका मुंह अलग है। तो चलिए, ये मुंह तो हमारा बन गया है। अब हम लोग एक क्ले लेंगे और उसको ओवल शेप में कर देंगे। चलिए, ये भी हमारा बन गया है। तो अब मैं इस मुंह को इसके साथ अटैच करने के लिए एक वायर ले लूँगी और इस वायर को पहले इसमें घुसाऊंगी। फिर उसमें ऊपर से मुंह घुसा दूंगी। चलिए, मैंने इसको अटैच कर लिया। उसके बाद हम लोग इसका हाथ बनाएंगे। अब हम लोग इसका हाथ बनाएंगे, उसके लिए हम क्ले के दो टुकड़े कर देंगे और एक वायर ले लेंगे। इस वायर को हम लोग थोड़ा मोड़ देंगे। हमने इसे मोड़ लिया है। अब हम लोग क्ले ले लेंगे। अब इस क्ले के भी हम लोग दो टुकड़े कर देंगे और एक टुकड़े को हम लोग इसकी इतना शेप दे देंगे। अब इस वायर को हम लोग इसके अंदर घुसाएंगे। इसको हम लोग ने घुसा लिया। अब इस दूसरे वाले को भी हम लोग इसके अंदर घुसा देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसका हाथ बना दिया। अब हम लोग को उसका थोड़ा सा जिसमें मोदक लेते हैं वो बनाना है। इसके लिए हम लोग ने थोड़ा क्ले लेके उसको चपटा कर दिया। अब इसको हम लोग शेप दे, इसके हाथ में हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। अब दोस्तों, हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे करके और दूसरे हाथ को भी हम लोग ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने हाथ बना दिए और इसका हाथ मैंने ऐसे बनाया था, इसका हाथ मैंने ऐसे बनाया। तो अब हम लोग पैर बनाएंगे इसका। हम लोग इसके दो पैर बनाएंगे। तो क्ले को दो में करेंगे। इसके पैर बनाने के लिए हम लोग इसको रोल करेंगे, नीचे से हम लोग पतला करेंगे और ऊपर से मोटा ही। अब इसको हम नीचे से ऐसे मोड़ देंगे और फिर इसको दबा। इसको दबा के ऐसे नीचे साइड कर देंगे। हमने दोनों पैर भी ऐसे कर लिया और एक पैर को नीचे से ऐसे घुसा देंगे। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। हम
मैंने इसके पैर को फिट कर दिया। अब मैं इसके आग बनाऊंगी तो मैं तो ये छोटे छोटे दो गोल बनाऊंगी और इसको मैं आग की जगह में लगा दूंगी। अब मैं इसका डेकोरेशन करूंगी। अब मैं इसके मुकुट बनाऊंगी। और मुकुट बनाने के लिए मैं पहले इसका गोल बनाऊंगी और उसको मैं चपटा कर दूंगी। चपटा करने के बाद मैं इसको दो फोड़ दूंगी। दो फोड़ देने के बाद मैं फिर से इसको चपटा कर दूंगी। इसके शेप में ला दूंगी। और इस मुकुट पर मैंने मैंने कुछ माटी। अब हम इसको इस पर लगाएंगे। मूर्ति लगाने के बाद मैंने कुछ छोटे छोटे इसके तकिए बना दिए है, तो भी इस तकिए को भी मैं डेकोरेट करूंगी। इस पे मैं कुछ ये सब लगाऊंगी। इसको लगा के दबा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा गणपति बन गया है और मैंने कुछ बॉल्स करके मोदक और थाली बना ली थी। तो देखिए मेरा गणपति कितना अच्छा लग रहा है। तो आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी और आप लोग ये गणपति घर पे बनाने का ट्राई जरूर करना। बाय। मेरा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय।